किरण जाधव के पास चलते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज के दिन फिर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी ढेर सारे दूसरे काउंटर्स में भी आई है जो कल तक पिटे थे। डीएचएफएल पर पहले राय दीजिए, फिर मैं निफ्टी पर आपकी राय लूंगी, क्योंकि दीवान हाउसिंग देखिए पिछले चार मिनटों में खासकर 9% तक की रैली दिखा चुका है। इसमें आ रही है बहुत ही बढ़िया रिकवरी। कल आपको याद होगा 200 का साथ इसने तोड़ा था, लोग कह रहे थे अब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन ये क्या एक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग पुल बैक है या फिर कुछ अब लोग हाथ लगाने लगे हैं तेजी के इसमें? मुझे लगता है कि सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग का पुल बैक देखने को मिल रहा है और ये थोड़ा सा और भी एक्सटेंड हो सकता है। मुझे लगता है कि 207 209 तक ये जा सकता है, जहां पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात रहेगी। पर अब अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशंस है तो मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 192 का सजेस्ट करूंगा। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ये 207 209 के टारगेट्स की ओर ये जाते हुए हम इस स्टॉक को देखेंगे। पर 192 अगर टूटता है तो फिर वापस एक बार 182 और उसके निचले स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो दीवान हाउसिंग उन लेवल्स का सुझा रहे हैं मार्केट पर। 10203 आ चुका है निफ्टी पर। सुदर्शन भी अभी कह रहे थे कि 10200 पर कुछ देर टिक जाए तो तेजी कर लेंगे। आपकी सलाह क्या होगी निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में? बिल्कुल, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट पे ही इसने एक रुकाव लिया है और ऊपर चलते नजर आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि बाय करके ही चलना चाहिए। बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस अटक में आगे होंगे, ट्रैप होते नजर आ रहे होंगे, तो मेरा मानना है कि आज के लिए इंट्राडे के लिए जब मैंने आपको मेल किया तब निफ्टी थोड़ा नीचे 230 का रहेगा, इसके ऊपर रहता है तो आज के लिए 10,260 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग पोजीशंस ही रखने चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस काट लेने चाहिए, ऐसा ही मेरा हमारा मानना है। ओके, शॉर्ट किंटी 9 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। से इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर चार्ट देखते हैं तो काफी वियर्ड काइंड ऑफ पैटर्न है, इसने दोनों तरफ के लेवल्स टेस्ट किए है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने जो तोड़ा है वो करीबन 30 रुपए 50 पैसे का है और वो दो दिनों पहले टूटा, यानी लास्ट थर्सडे टूटा हुआ है। ये एक पुलबैक रैली है जो कि वापस एक बार ये करीबन 30 रुपए 50 पैसे तक जा सकती है। इधर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर इधर अगर एग्रेसिव शॉर्ट्स बनाने हैं तो मैं 28 के लेवल टूटने की राह देखूंगा। 28 के नीचे बिल्कुल इसको स्ट्रांग शॉर्ट कैंडिडेट बनता है। टारगेट करीबन 25 लेवल उसके नीचे के देखने को मिल जाने चाहिए और 28 जब टूटेगा तब स्टॉप लॉस सिर्फ 29 का रखना चाहिए। अभी के लिए पुलबैक जो चल रहा है वो हो जाने दीजिए, उसके बाद यूटर्न पे बेचने की सलाह होगी क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। ओके, कमजोर। पहला तो मदरसन सुमी रहेगा जो कि बाय करके चलना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से मार्केट जो गिर रहा है ये स्टॉक ऊपर ऊपर चलना चालू कर दिया है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और मेरा अभी स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक है, 257 का है, 260.50 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 2.5 रुपए का रिस्क है और टारगेट्स के लिए 270 के पहले देखने को मिल जाने चाहिए। इसके ऊपर जब ये 270 टारगेट अचीव होगा तब इधर एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी, कवर नहीं करना है। दूसरा होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से ये स्टॉक ऊपर आ रहा है और कल के हाईज भी इसने क्रॉस किए बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, डेरिवेटिव डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है इस काउंटर का। 476 का स्टॉप लॉस रहेगा, 488 के पहले टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए और ये भी काउंटर है कि जो 488 490 के करीब एक बार रिव्यू ले लेने की सलाह होगी। ओके, आई है किरण, फटाफट राय दीजिए 2140 पर क्या किया जाए? देखिए बाय करके ही चलना चाहिए, 2125 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट करीबन 2170 से 2190 के देखने को मिल जाने चाहिए। 2190 बजाज फाइनेंस की। स्टर्टेक मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 320 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए और अगर हम इसको करीबन एक डेढ़ महीने का वर्क देते हैं तो मेरा मानना है कि 360-370 के लेवल्स टेस्ट होता नजर आ जाना चाहिए काउंटर। ओके, तो अगर टाइम देंगे तो